धन्यवाद है। सब्सिडी के लिए आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार पूरा ध्यान रखेगी कि आपका बिजली सब्सिडी समय से आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अभी तक आप लोगों को बिजली बिल में सब्सिडी मिलता आ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जिसके भी 200 यूनिट या उससे कम यूनिट होता है तो बिजली बिल में 100% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि बिजली बिल बिल्कुल जीरो आता है। लेकिन दोस्तों, केजरीवाल सरकार की ओर से एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से अब किसी को भी सब्सिडी नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं उनको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बिजली बिल में सब्सिडी लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से एक नंबर जारी किया गया है जिस पे अगर आप मिस कॉल देते हैं आपके मोबाइल में एक SMS आएगा जिसमें एक लिंक दिया होगा, उस पे क्लिक करके आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर जारी किया गया है उससे आप WhatsApp में सेव करके अप्लाई करके बिजली बिल में सब्सिडी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे बिजली बिल में सब्सिडी लेने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक नंबर सेव कर लेना है। मैं नंबर आपको बोल भी देता हूँ, 7011311111, और आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी, तो किसी भी आप नाम से यहाँ पे सेव कर लीजिए। और इसे व्हाट्सएप में ओपन करके आपको मैसेज करना है हाय, सिर्फ आपको हाय लिखना है। और यहाँ पर जब आप भेजेंगे ना तो आपके पास एक मैसेज आएगा यहाँ पर, वेलकम टू दिल्ली गवर्नमेंट पावर सब्सिडी। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, दिल्ली सरकार के बिजली सब्सिडी पोर्टल में आपका स्वागत है। दिल्ली बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कृपया आगे बढ़ें। तो इसके बाद आपके पास एक और मैसेज आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज सेट द लैंग्वेज। आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करना है, तो जो भी आपको लैंग्वेज लेना आप यहाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया। देखिए, यहाँ पे एक फोटो आया है, यहाँ पे केजरीवाल सरकार की फोटो लगी हुई है और इसमें लिखा हुआ है, प्रिय उपभोक्ता, 2015 में दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से अभी तक आपको आपके बिजली बिलों में छूट दी गई है। ठीक है, अब यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2022 से छूट उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बिजली बिलों में आपको छूट मिलती रहे तो आप निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री, तो क्या जानकारी देना है। तो देखिए, नीचे यहाँ पे एक और मैसेज आया हुआ है, ऑप्ट इन करने के लिए कृपया अपने बिजली बिल के ऊपर दाएं ओर लिखित CA नंबर को दर्ज करें। तो आपका बिजली बिल का जो CA नंबर है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो मेरा जो CA नंबर है यहाँ बिजली बिल का, वो यहाँ पर मैं दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद इसे आपको भेज देना है यहाँ पर व्हाट्सएप में। तो फिर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका CA नंबर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे एक फॉर्म और दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, सेवा में मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज तक आपने जो हमें बिजली बिलों में छूट दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि मुझे बिजली बिलों में दी जाने वाली छूट कृपया जारी रखें, मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी। जिसमें आपको नीचे यहाँ पे दिखा देगा आपका नाम, CA नंबर और एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसे ब्लर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लास्ट नीचे ऑप्शन दिया होगा, कृपया पुष्टि करें कि आपका विवरण सही है। अगर आप यहाँ पे CA नंबर बिल्कुल सही देंगे, जो आपके बिजली बिल का CA नंबर है, तो इसमें आपका नाम, CA नंबर और एड्रेस है आपका ही दिखाएगा, और नीचे यहाँ पे दिखा देगा कृपया पुष्टि करें क्योंकि आपका विवरण सही है। तो अगर सही है तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे नीचे आपको नहीं पुनः प्रयास पे क्लिक करें, लेकिन अगर सही होगा तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास एक और मैसेज आएगा, प्रिय उपभोक्ता, आपके मोबाइल नंबर इतना जो मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप में चल रहा है उसी नंबर से ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि प्रिय उपभोक्ता, आपके मोबाइल नंबर से दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी हेतु जो आपका CA नंबर है, आपका CA नंबर यहाँ पर दिखा देगा, एवं स्वीकृति संख्या जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पर दिखा देगा, के लिए आवेदन जमा हो चुका है। और नीचे यहाँ पर दिया है, क्या आप एक ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं? तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर अपने बिजली बिल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं इस फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर मैंने हाँ पे क्लिक कर दिया, और जो मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। तो ईमेल सेंड करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज दिखा देगा, धन्यवाद है, सब्सिडी के लिए आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार पूरा ध्यान रखेगी कि आपका बिजली सब्सिडी समय से आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको इस समय आ गया होगा किस तरीके से आपको बिजली बिल सब्सिडी के लिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू अप्लाई करना है। आशा करता हूँ दोस्तों, दी गई जानकारी आपको समय आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।